एक बार की बात है, एक बड़े से वृक्ष पर बहुत से तोता रहते थे। उन तोतों के दल में एक बूढ़ा तोता भी था, जो अपनी अधिक उम्र के साथ साथ अधिक अनुभवी और दूरदर्शी भी था। सभी तोते उस वृद्ध ज्ञानी तोते को काका कहकर बुलाते थे। एक दिन उस बूढ़े तोते ने उसी वृक्ष के तने पर एक बेल को लिपटे हुए देखा। उसने सभी तोतों को बुलाकर उन्हें समझाया कि देखो, ये जो छोटी सी बेल है जो पेड़ की जड़ पर लिपटी है, इसे अतिशीघ्र नष्ट कर दो, नहीं तो एक दिन यही बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। ज्ञानी तोते की बात सुनकर सभी तोते हंसने लगे और कहने लगे, अरे काका, यह छोटी सी बेल भला हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी, जो आप इतनी गंभीरता से हमें समझा रहे हैं। बूढ़ा तोता बोला, बच्चू, आज तुम्हें ये बेल छोटी लग रही है, धीरे धीरे ये पूरे पेड़ पर फैल जाएगी, पेड़ के पूरे तने पर लिपट जाएगी, फिर पेड़ का तना मोटा हो जाएगा, फिर तो नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह बन जाएगी। तब ऐसी स्थिति में कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम सब तक पहुंच सकता है और हम सब मारे जाएंगे। बंधु, बूढ़े तोता की बात सुनकर कुछ तोतों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया कि एक छोटी सी बेल भला हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। एक युवा तोता कहने लगा, ताऊ, तू एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है, क्यों हमें इस तरह की कहानी सुनाकर मूर्ख बना रहा है। उस बूढ़े तोते की बात को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बेल वृक्ष के तने से लिपटती हुई ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी सी बन गई, जिसके ऊपर आसानी से कोई भी चढ़ सकता था। यह देखकर सबको उस बूढ़े तोता की बात याद आने लगी, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसे नष्ट कर पाना अब तोतों के बस की बात नहीं थी। एक दिन तोता जब भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तभी एक बहेलिए ने उस पेड़ को देखा, जिसके तने पर भारी और मोटी बेल चिपटी हुई थी, जिसके ऊपर तोता बैठा करते थे। शिकारी ने बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और वहां से चला गया। शाम को जब सारे तोता लौट कर आए और उस पेड़ पर उतरे, तो शिकारी के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गए और फड़फड़ाने लगे। तब उन्हें उस बूढ़े और ज्ञानी तोते की बात अच्छी तरह समझ में आने लगी। अब भी अपने किए पर पछता रहे थे। सोचने लगे, अगर उस दिन ज्ञानी काका की बात मान लेते तो आज इस विपत्ति में नहीं फंसते। मित्रों, अब तो बूढ़ा तोता भी उन सबको परेशान देखकर गुस्से में और चुप बैठा था। वो उनकी मूर्खता पर बहुत चिंतित था। सारे तोते रोते हुए उस वृद्ध तोते से कहने लगे, हे काका, आपकी बात ना मानकर हमने बहुत बुरा किया, हम सब मूर्ख हैं, अब हमें इस विपत्ति से आप ही निकाल सकते हो, इस बार आप हम सबको बचा लीजिए, आगे से हम आपकी कोई भी बात नहीं टालेंगे। मित्रों, इस प्रकार सबको दुखी देखकर बूढ़ा तोता बोला, बच्चों, अब इस विपत्ति से निकलने का एक ही तरीका है, जब शिकारी आए तब तुम सब मुर्दा होने का बहाना करके लेट जाना, बहेलिया तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखेगा, वहां भी जमीन पर मरे का बहाना करके पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम तोते को निकालकर नीचे रख दे, उसी समय सभी एक साथ उड़ जाना। बंधु, इस तरह बुद्धिमान तोते के बताए अनुसार सारे तोते बहेलियों को देखकर मुर्दे की भांति लेट गए। बहेलिया आया और सब तोतों को निकालकर जमीन पर रखने लगा। जब सारे तोते उसने निकालकर जमीन पर रख दिए और जाल को संभालने लगा, उसी समय सभी तोते एक साथ उड़ चले। बहेलिया उन्हें उड़ता हुआ देखकर अवाक सा रह गया, अरे ये क्या हुआ। इसलिए कहते हैं, बुद्धिमानों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। वृद्ध तोते की युक्ति से सारे तोतों की जान बच चुकी थी। सारे तोते बड़े खुश थे, क्योंकि बूढ़े तोता की योजना अनुसार उन सब की जान बच गई। युवा तोता कहने लगा, ताऊ,
अब हम सब आपसे कुछ और बातें सीखना चाहते हैं जो हमारे लिए मुसीबत के समय काम आए। वृद्ध ज्ञानी तोता बोला, बच्चों इस संबंध में मैं आपको 7 बातें बताऊंगा जो आपके पूरे जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति दिलाएंगी। पहली बात, विवेक पूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार कार्य करने की इच्छा रखते हैं और यथाशक्ति करते भी हैं। किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवमानना नहीं करते। दूसरी बात, जो आलसी स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रु और बीमारी की अनदेखी करता है वो उनसे धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को नष्ट नहीं करता वो बलवान होने पर भी मारा जाता है। तीसरी बात, गरीबी बीमारी दुख बंधन ये सब प्राणियों के अपने किए हुए अपराध के पेड़ के फल हैं। किसी चीज को तुच्छ समझकर उसकी अवमानना करने से मनुष्य लापरवाह हो जाता है। वो ये सोचता है कि यह छोटी सी चीज भला हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी और यदि नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास करेगी तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इन्हीं विचारों को मन में रखकर वो निर्भय हो जाता है। और याद रखना, जो व्यक्ति निर्भय होकर घूमता है उसे छोटा से छोटा व्यक्ति भी बड़ी आसानी से मार सकता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी को छोटा समझकर उसे नजरअंदाज ना करें। जीवन की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। हमें अपनी सुरक्षा को लेकर हर समय चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि जो डरता है वो कहीं हद तक अपने को सुरक्षित कर लेता है। भविष्य में आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचकर चलने वाला कभी धोखा नहीं खाता। जो व्यक्ति समय रहते उपाय कर लेता है वो मुसीबत के दलदल में सहज नहीं फंसता। और जो लोग घमंडवश मूर्खतावश विपत्ति के बारे में नहीं सोचते या किसी को तुच्छ समझकर उसकी अनदेखी करते हैं वही अक्सर चोट खाते हैं। बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, जिस अंग में रोग हो जिस अंग से खटका रहे उसे काटकर फेंक देना चाहिए। जो व्यक्ति लापरवाह और आलसी हो जाता है वो अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। कहते हैं, आजादी से बढ़ते हुए शत्रु और रोग की अनदेखी करने वाला एक दिन उनके हाथों मारा जाता है। भले ही आप कितने ही बलवान क्यों ना हो, लापरवाह हमेशा चोट खाता है। आपसे पद और शक्ति में छोटा व्यक्ति हमेशा आपको भुलाकर मौका देखकर ही आप पर वार करता है। मित्रों, चाहे गरीबी हो बीमारी हो दुख हो बंधन हो ये सब मनुष्य के स्वयं के कर्मों से आती है। इसलिए हमें बोला जाता है कि अपने से योग और बड़े जनों के बताए मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि बड़े जनों की शिक्षा में उनके पूरे जीवन का अनुभव होता है। मनुष्य 2 परिस्थिति में किसी की बात नहीं सुनता, या तो वो मूर्ख हो या घमंड में चूर। और ऐसे ही लोग अक्सर मुसीबतों की खाई में गिरते रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं तो जानते भी नहीं और मूर्खता बस किसी की मानते भी नहीं। बेटे, जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति अच्छा हो या बुरा, छोटा हो या बड़ा, बात सबकी ध्यान से सुननी चाहिए। वो अलग बात है कि आप उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो या ना उतारो, कम से कम सुन लेने भर से हमें उसके अंदर तक का पता चल जाता है कि वो क्या सोचता है और कैसा सोचता है। दूसरी बात, विपत्ति चाहे छोटी हो पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा सा काम बिगाड़ देती है। तीसरी बात, अगर कोई आपको शिक्षा दे रहा हो तो भले ही आपसे छोटा हो फिर भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चौथी बात, अपने शरीर और दिमाग को निठल्ला मत रखिए, कुछ ना कुछ कार्य कीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पांचवी बात, जैसा आपका दृष्टिकोण होता है वैसा ही आपको नजर आता है। वास्तविकता तो तब पता चलती है जब हम विपत्ति में पड़ जाते हैं। छठवीं बात, हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, कभी एक दूसरे पर ना उतारे। ऐसी स्थिति में कभी कभी बहुत बड़ी चूक हो जाती है, ना तो आप करते हैं और ना दूसरा, उस समय सिर्फ पछताना ही रह जाता है। सातवीं बात, जो आगे की नहीं सोचता, जो दूर तक के परिणाम ना सोचकर कार्य कर डालता है, ऐसा मनुष्य हमेशा अपने किए का विपरीत फल पाता है। इसी कारण बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करना गलत है। मनुष्य को किसी भी प्रकार की मूर्खता नहीं करनी चाहिए।
आगे पीछे विचार करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। बड़े लोगों ने कहा है कि भविष्य की चिंता पहले से ही करनी चाहिए। जो समय पर सोच विचार कर अपने काम को निपटा लेता है, ऐसा प्राणी सदा सुखी रहता है। किंतु ऐसा प्राणी सदा मरता है जो समय से पहले अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।